वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट रीड। तो आज हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस विजिट करने और हमें मालूम नहीं है फार्म हाउस का है और क्योंकि हम लोग को जाना है तो हम लोग इस संडे भी जा सकते हैं और अगले संडे भी जा सकते हैं। तो हम वहाँ जाके मिलते हैं फार्म हाउस पर। फार्म हाउस जो है वो पहुँच चुके हैं और ये फार्म हाउस का गेट है, बट फार्म हाउस बहुत इससे भी दूर है। तो वो बंदे को हम लोग ने कॉल करी, वो आएगा तो ये गेट खोलेंगे, तो आई थिंक हम लोग कार के साथ अंदर जाएंगे। तो जब हम लोग अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट वगैरह हो रही है, गेट नहीं था तो ये वाला गेट है और अभी गाड़ी अंदर जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से पार्क स्टार्ट हो रहा है, फार्म हाउस स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है प्लेइंग एरिया है, यहाँ थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं बट मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा है। तो बैठ अंदर जाते हैं, अब ये सब देख सकते हैं। तो ये सिर्फ आई थिंक ये रूम एरिया है। अभी सब हम अंदर जा रहे हैं स्विमिंग पूल के एरिया में, और स्विमिंग पूल भी इतना ख़ास नहीं है। अब देख सकते हैं, ये देखें आप सिर्फ बच्चों का स्विमिंग पूल देखें। और आप ये देख सकते हैं सिर्फ बड़ों का फार्म हाउस है, बिल्कुल बेकार है, पर बड़ों के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ठीक है। वॉशरूम एरिया, न सफाई का ख्याल ना किसी चीज़ का ख्याल है। आप देख सकते हैं ये सर, ये देखें ब्रिज टाइप। अभी कमरे देखने जा रहे हैं, देन इज़ नॉट गुड, यू कांट सी। वॉशरूम आप देख सकते हैं वो भी कितना गंदा है, ये देख सकते हैं स्विमिंग है। पता नहीं भाई, इतना ख़ास नहीं लग रहा फिर भी, बट क्या होता है, अल्लाह मालिक है सब कुछ। अभी दिल चाह रहे हैं यहाँ से क्यों लात मारोगे आदिर भाई, बोले लात मारूं। अंदर कमरों का आई थिंक सफाई चल रही है। ये किचन है बिल्कुल अजीब सही, न साफ़ सुथराई का ख्याल। देखे सब ये रूम है, डाइनिंग टेबल एरिया, इस ये लॉन्च है कमरा, मज़े का नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करी जिनका फार्म हाउस था, कि जो अभी सफाई हो रही थी क्योंकि पार्टी वगैरह आनी थी। तो हमने पूछा कि इस संडे यानी 8 तारीख का अवेलेबल है फार्म हाउस या नहीं, तो फिर उन्होंने बोला सिर्फ हमारा 8 तारीख का तो नहीं होगा क्योंकि ये सीज़न ईद का जो है, ईद के दिन वगैरह होते ना तो इसमें सब बुक होता है। तो उन्होंने बोला 15 तारीख का मिल जाएगा, अगर बाकी सब बोल रहे तो उनके भाई हैं बड़े तो उनसे बात कर लें। और फिर हमने पूछा कि कितना फिट पानी वगैरह है, सब कुछ पूछा, मतलब सफाई वगैरह हो रही थी तो हमने पूछा हमें सब कुछ सफाई वगैरह करके देंगे, उन्होंने बोला हाँ सब कुछ करके देंगे। हम लोग को मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आया फार्म हाउस में, बट देखते हैं कब की बुकिंग होती है क्योंकि अभी तो ईद का दिन है तो सब कुछ बुकिंग वगैरह हुई भी है। हमें इस संडे चाहिए था, बट वो कह रहे हैं कि हमें 2 संडे चाहिए थे, मैंने आपको बताया था ना, वो उस संडे हम लोग को मिल सकता है, बट देखते हैं जो भी होता है। बाहर के एरिया में आ चुके हैं जाने के लिए, आई डोंट नो कि हम आगे विज़िट करेंगे या नहीं करेंगे देन, बट अभी यहाँ पर कुछ जानवर वगैरह है। वे इधर क्या आ रहे हैं मुर्गे, मैं मुक्का मारूंगा तुझे, दूर रहना मुझसे। यहाँ पे बत्तखें वगैरह हैं और मुर्गे वगैरह हैं। कितना चीख रहे हो। और यहाँ कुछ पिंजरा मिंजरा है, इसमें अभी तक से कुछ भी नहीं आई थी। अरे मेरे घर वाले जा रहे हैं। और यहाँ कबूतर वगैरह हैं, अरे दूर से तो मुझे ना पैरट लग रहे थे बट यहाँ कबूतर है। और यहाँ मुर्गा मुर्गी और बदबू बहुत है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। रात के 2 बज रहे हैं, मेहमान वगैरह सब चले गए हैं और हम लोग फार्म हाउस वगैरह से आ गए थे। जब मैं एडिटिंग करने बैठा तो मुझे पता चला कि अरे मैंने तो वीडियो एंड करी नहीं है, तो मैंने बस सोचा अभी वीडियो एंड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह कल परसों तक वीडियो भी आ जाएगी। तो फार्म हाउस का अभी तक से कोई हमने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि क्योंकि कुछ को पसंद आया कुछ को नहीं आया, हम कई और फार्म हाउस भी जा सकते हैं। सिर्फ मैंने एक ही फार्म हाउस विज़िट किया था
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलता हूँ अपने अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सही है।